पाटा क्षेत्र में कभी डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था और यहाँ की महिलाएं खुलकर अपनी बात प्रशासन तक नहीं रख सकती थी। उसका एक ही कारण था, डकैतों का खौफ। पाटा क्षेत्र में कोल आदिवासी महिलाएं घूंघट में ही रहकर अपना जीवन यापन करती हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक आईपीएस महिला वृंदा शुक्ला पहुंचकर अलग जगा रही हैं। महिला आईपीएस के सामने कोल आदिवासी महिलाओं ने अपनी बात खुलकर रखा है। आईपीएस वृंदा शुक्ला कोल आदिवासी महिलाओं से मुलाकात करने के साथ साथ कानून से कैसे मदद ली जाती है, कैसे अपनी बात पूरी कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर कोल आदिवासी महिलाओं से मुलाकात करने के बाद उन्हें जानकारी भी दिया है। शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, और मैं फिर यही कहूँगी कि जो पढ़ी लिखी लड़की है वो कभी अन्याय नहीं सह सकती। सहना चुपचाप उसको पड़ता है जो पढ़ी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ी है उसको सारी जागरूकता रहती है कि मेरा क्या हक है। ठीक है, तो अब इस मानसिकता से आप बाहर निकलिए। अभी भी हम ये कहते हैं चलो लड़के को पढ़ा देते, लड़की को नहीं पढ़ाते, भी लड़की हमारे साथ ही लकड़ी काटे फिर उसकी शादी कर दी है ना। तो ये जो है ये चीज अब आप बदलिए। लड़कियां आप क्या नहीं कर सकती, मुझको देखिए, यहाँ बाकी जो महिलाएं पुलिस में खड़ी हैं उनको देखिए। एक समय था पुलिस में सिर्फ लड़के आया करते थे, अब लड़कियां हर जगह हैं। तो इसी तरह से ये भी एक आपसे आग्रह है कि बच्चियों को जरूर पढ़ाइए। पढ़ाई के बिना आजकल के टाइम में कुछ नहीं है, और जब तक पढ़ाई शिक्षा नहीं आएगी तब तक जो शोषण है, खासकर जो घर परिवार सामाजिक अपराध है, वो कभी नहीं बदल सकता। जन चौपाल लगाने का उद्देश्य यही था कि ये जो क्षेत्र है अभी भी डकैतों के खात्मे के बाद भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और यहाँ बहुत गरीबी है, और जो महिलाएं हैं वही हैं जो बहुत परिश्रम करती हैं, दिन भर जंगलों में लकड़ी काटती हैं, अपने बच्चों की भी परवरिश करती हैं। तो ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अभी भी लोग पुलिस तक पहुँचने में बहुत हिचक करते हैं, उनको हेल्पलाइन नंबर्स नहीं पता होते। तो इसीलिए उद्देश्य था कि उनका पहुँचना पुलिस तक ज़्यादा आसान बनाएं, उनमें ये संदेश भेजें कि हम उनके लिए हैं, उन्हें कोई भी समस्या आती है तो पुलिस मिनटों में उनके द्वार तक आ सकती है। इन्हीं सभी बातों के प्रचार प्रसार के लिए मैं वहाँ गई थी, और बहुत अच्छी महिलाओं से बात हुई, और वो बहुत खुल के आगे आई, उनसे कई बातों पर चर्चा की कि जिस प्रकार के सामाजिक अपराध हैं जो घर के अंदर पनपते हैं क्योंकि हम उन पर खामोश रहते हैं। तो उसमें बहुत सी महिलाएँ सहमत थी, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये एक्सपीरियंस भी किया था कि जो घर में विवाद होते हैं, कई की बेटियों को ससुराल वाले परेशान करते थे और वो अब मायके ही आके रह रही थी और अपना जीवन यापन मजदूरी करके कर रही थी। तो इस तरह के विषय पे बहुत खुल के महिलाओं से बात हो सकी, और वहाँ पे लगभग 100 महिलाएं मौजूद थी, और मुझे उम्मीद है कि इतनी एक सीधी और स्पष्ट वार्ता के बाद कम से कम उनमें से कुछ लोग तो ये संदेश लेके गए होंगे कि पुलिस के पास बेहिचक अब आना चाहिए, और इस तरह के जो सामाजिक अपराध हैं उनके विरुद्ध ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए।